करनाल बस स्टैंड के वर्कशॉप में प्रशिक्षण लेने के तहत कार्य कर रहे छात्र धरने पर बैठ गए हैं। इन्होंने पिछले 10 महीनों से वेतन ना मिलने का आरोप लगाया है। छात्रों का आरोप है कि वेतन ना मिलने को लेकर वह धरने पर बैठने को मजबूर हुए हैं। आपको बता दें कि करनाल बस स्टैंड की वर्कशॉप में ITI के अंडर ट्रेनिंग छात्र प्रशिक्षण ले रहे थे, जो पिछले 10 महीने से अपना मेहताना ना मिलने के कारण आज धरने पर बैठने को मजबूर हो गए। छात्रों ने आरोप लगाते हुए बताया कि वह लगभग 1 साल से यहां पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत उनको 8 या 9 हजार रुपए मानदेय के रूप में सरकार की ओर से दिया जाता है, परंतु पिछले 10 महीने से उनको कोई भी मानदेय नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण से उनको अपने परिवार का गुजर बसर करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार रोडवेज GM से बातचीत करने पर भी यही जवाब मिलता है कि अभी तक इसके लिए कोई बजट नहीं आया है, जो कि संतोषजनक जवाब नहीं है। जब वह ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पर आए थे तो उनके फॉर्म में 8,000 PF कटने के बाद दिया जाना शामिल था, परंतु अधिकारियों द्वारा इन प्रशिक्षणार्थियों के बारे में कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा, जिससे परेशान होकर आज उनको धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मेरा नाम गौरव है जी। क्या समस्या है, आप यहाँ पर काफी संख्या में बैठे हो? क्या हम यहाँ जी अप्रेंटिस कर रहे हरियाणा रोडवेज करनाल डिपो में जी, ITI के ट्रेनिंग है सारे जी, और हमारे को 8,050 रुपए के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से दिया जाता था, जो हमारे बॉन्ड फार्म में है, लेकिन हमारे को अब तक 10 महीने हो गए 1 रुपया नहीं दिया गया जी। हम CM विंडो में भी लगा के आए और DC ऑफिस में भी रिटर्न एप्लीकेशन दे के आए थे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया वहाँ से, और GM साहब के पास भी गए, AO के पास भी गए, हर जगह गए, लेकिन हमारे को हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कारण बताते हैं? कारण जी ये बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से बजट नहीं आ रहा, सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन फिजूल खर्ची के लिए सरकार के पास पैसा है, गरीब बच्चों के लिए जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं उनके पास पैसा नहीं है। सरकार के पास ऐसी निकम्मी सरकार के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि ये सरकार तो बस भ्रष्ट है। हाँ, उसकी हमारे को कोई मतलब बजट के हिसाब से कोई हमारे को पैसा नहीं दिया गया, हमारा मानदेय नहीं दिया गया, हमारा मेहनताना बिल्कुल नहीं दिया गया। कितने ऐसे जने यहाँ पे जिनको नहीं मिला? वैसे तो साहब यहाँ पे 87-90 के करीब बालक थे, लेकिन कुछ की पूरी हो चुकी है, अब 30-35 बालक ऐसे रह रहे हैं जिनकी अभी चल रही है, जिनकी कुछ एक की तो अभी 15 दिन में पूरी हो जाए, कुछ एक का 1-1.5 महीना रह रहा है, लेकिन उनको अभी कोई पैसा नहीं दिया गया। हमारी तो सरकार से ही अपील है, रिक्वेस्ट है कि हमारे को हमारा मेहनताना हमारा जो भी मानदेय बनता है हमारा, तो मतलब कभी भी नहीं आनी चाहिए हरियाणा में। हरियाणा सरकार को मैं मुर्दाबाद कहता हूँ, ठीक है ना, क्यों मेरी तरफ से तो ये सरकार बिल्कुल भी वो नहीं है, ठीक है ना, ऐसी सरकार जो गरीब परिवार के लिए इतना भी नहीं सोच सकती। अगर हम कोई मतलब हम जोड़ी मांग के नहीं मांग रहे, हम आप काम के पैसा मांग रहे हैं, यहाँ पर मेहनत करते हैं हम, यहाँ से 9 से 5 बजे का टाइम देते हैं हम, यहाँ से रात को हम 8-9 या 10 बजे घर जाते हैं हम यहाँ, ठीक है ना। नहीं मैं ना दूर से आता हूँ, मैं डांड साइड से आता हूँ, यहाँ से कोल जाता हूँ, मैं कोल से 7 किलोमीटर दूर मैं लिफ्ट लेके जाता हूँ और सुबह आता हूँ वहाँ पर, मैं कितना परेशान हूँ सर, तुम्हारे कोई पैसे नहीं आते तो ऐसे कैसे काम चलेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.